इस बीच एक और बड़ी खबर, कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, राजस्थान में दो जगह से दी जा सकती है पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं को टिकट, जयपुर ग्रामीण और कोटा से दी जा सकती है टिकट दूसरी, और जयपुर से दिया कुमारी हो सकती है कांग्रेस की उम्मीदवार। उच्च स्तर पर इस बारे में लगभग फैसला तो हो चुका है, लेकिन भाजपा के एक बड़े नेता ने इसे लेकर संकेत भी दिया है कि राजसमंद से दिया कुमारी का नाम फाइनल हो सकता है। ये संकेत फिलहाल भाजपा के दिग्गज ने दिया है, एक बड़े नेता ने संकेत दिया है कि राजसमंद से हो सकता है कि दिया कुमारी को यहां पर टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि चाहे सवाई माधोपुर की बात करें या फिर जयपुर शहर की बात करें, इसे लेकर नाम फाइनल हो चुका है, बदला नहीं गया, बीजेपी ने अपनी टिकट फाइनल कर दी। तो राजसमंद एक जगह रहती है, सीट रहती है जहां से दिया कुमारी को टिकट दिया जा सकता है लोकसभा का। इसे लेकर पूरी जानकारी देंगी मेरी सहयोगी ब्यूरो चीफ दिल्ली से अदिति रागा। अदिति, पूरी जानकारी जरा दीजिएगा। देखिए, एक ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, अगर ऐसा होता है तो दो जगह से बात आ रही है, एक कोटा और एक जयपुर ग्रामीण, जहां से पुलवामा हमले की जो शहीद थे उनकी पत्नियों को टिकट दी जा रही है। हालांकि ये कई तरह के इसमें सवाल उठते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है और जिस तरीके की बात सामने आ रही है जयपुर ग्रामीण से और कोटा से, जो शहीद थे पुलवामा से उनकी पत्नियों को टिकट दी जा रही है, तो उसके बाद ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस की तरफ से होगा बीजेपी के सामने। और उसके अलावा इस तरह की बात भी सामने आ रही है कि कल बीजेपी का कोर ग्रुप है, दोपहर 1 बजे अमित शाह के साथ बैठक होगी, तमाम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, मदन लाल सैनी दिल्ली पहुंच चुके हैं, वसुंधरा राजे सुबह रवाना होंगी, तो उसमें राजसमंद से दिया कुमारी का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है, चूरू से राहुल कसवा का नाम फाइनल है, अलवर से जो पैनल भेजा गया है वो बाबा बालकनाथ का फाइनल है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की चर्चा जो लगातार 3 दिन से आ रही है कि दिया कुमारी कांग्रेस के उच्च स्तर के नेताओं से संपर्क में है, तो इस बात के संकेत भी आ रहे हैं कि जयपुर से वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ सकती हैं, संपर्क में है। अगर उनको टिकट नहीं मिलती, उनको फाइनल नहीं किया जाता, तो वो कांग्रेस का हाथ थाम लेंगी। और जिस तरीके की बात जो है ये सामने आ रही है, तो बड़ा रोचक अब कहानी हो चुकी है। उधर बीजेपी के 9 नाम बचे हैं, कांग्रेस ने अभी तक एक भी नाम सामने नहीं रखा है, और उन 9 नामों में अभी तक और इसीलिए यहाँ पर सियासी मंत्रणा जो है वो लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति तमाम जानकारी देने के लिए। तो दो अहम खास खबरें जो है इसमें निकल कर आ रही है कि एक तो पुलवामा हमले में शहीद हुए यहाँ पर हमारे जवान, उनकी वीरांगनाओं को यहाँ पर टिकट दिया जा सकता है। अब इसके सियासी मायने क्या निकाले जाएंगे जनता सब समझती है।